हाल ही में अंतरिक्ष में की गई 10 गजब की खोजें, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। कॉस्मिक वेब का खुलासा। ब्रह्मांड में हर एक गैलेक्सी अंतरिक्ष के इस अनंत सफर के रास्ते के बीच में पड़ने वाले एक स्टॉपेज जैसी हैं, जो ये लंबा और अनंत रास्ता एक गैस का बना हुआ है जिसे कॉस्मिक वेब नाम दिया गया है। अंतरिक्ष की हर सड़क या रेशा या फिलामेंट, जो भी आप इसे नाम दे दीजिए, यह हाइड्रोजन से बनी हुई है जो बिग बैंग के बाद यहाँ पर छूट गया था, जहाँ भारी मात्रा में हाइड्रोजन आकर एक जगह पर इकट्ठा होता है। जिस अंतरिक्ष के काले और अंधेरे समुद्र में गैलेक्सीज के ग्रुप या आकाश गंगाओं के समूह का जन्म होता है। ये कॉस्मिक वेब बहुत ही हल्का है, इसीलिए इसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, पर पिछले साल अक्टूबर महीने में एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके एक टुकड़े की तस्वीर निकाल ली, जिसे आज तक पहली बार देखा गया। एक दूर बसी गैलेक्सी की हल्की अल्ट्रावायलेट चमक का बैक लाइटिंग की तरह इस्तेमाल करते हुए ये फोटो हाइड्रोजन के नीले किनारों को दिखा रही है। अंतरिक्ष में फैली हुई जो चमकीली सफ़ेद रंग की गैलेक्सीज को आपस में जोड़ रही है, ये घटना 1200 करोड़ लाइट ईयर्स दूर हो रही है। ये अविश्वसनीय तस्वीर एस्ट्रोनॉमर्स की मदद करेगी समझने में कि ब्रह्मांड में गैलेक्सीज का और सबसे पहली पुरानी गैलेक्सीज का जन्म कैसे हुआ था, वो कैसे बनी थी। इन लंबे चौड़े रास्तों में सबसे बड़े फिलामेंट को हम अभी तक जो ढूंढ पाए हैं, वो है हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल नाम का फिलामेंट, जो होश उड़ा देने वाली 1000 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी में फैला हुआ है, जिसमें करीब 100 करोड़ गैलेक्सीज या आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इसी के साथ अंतरिक्ष में पाया गया सबसे बड़ा खाली स्थान या वॉयड जो हमें मिला है, वो है केबीसी वॉयड, यानी कीनन बार्गर कोवी वॉयड, जिसका नाम इसे खोजने वाले 3 एस्ट्रोनॉमर्स के नाम पर रखा गया है। ये एक साधारण वॉयड से 7 गुना ज़्यादा बड़ा है और ये 100 करोड़ लाइट ईयर्स के रेडियस में फैला हुआ है। इन वॉयड्स में बहुत कम या ना के बराबर गैलेक्सीज होती हैं, जो अंतरिक्ष में एक खाली सी जगह जैसी दिखाई देती है। टी गार्डन्स स्टार। जून 2019 में शोधकर्ताओं ने 2 एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ निकाला जो एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहे थे, जिसका नाम टी गार्डन स्टार है। ये हमसे सिर्फ 12.5 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इनमें से एक ग्रह तारे का चक्कर 4.9 दिनों में ही लगा लेता है और दूसरा 11.4 दिनों में, पृथ्वी के 24 घंटों के हिसाब से। इतने करीब से अपने तारे की परिक्रमा लगाने के बावजूद इन तारों को हैबिटेबल जोन के अंदर माना जा रहा है, यानी ये जगह ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी, इसकी संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं, जिससे यहाँ पर पानी मौजूद हो सकता है। इसकी वजह है कि टी गार्डन स्टार काफ़ी डिम या हल्का है। ये दोनों ग्रह सबसे पास में पाए गए एक्सोप्लैनेट्स में से एक हैं, जिनका नाम टी गार्डन बी और सी रखा गया है। वहीं टी गार्डन स्टार जो है वो सबसे छोटे पाए गए तारों में से एक है, जो हमारे सूरज से 10 गुना छोटा है और इसका टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस है। प्लैनेट टी गार्डन बी का अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 95% है, वहीं दूसरे प्लैनेट टी गार्डन सी का 68%। अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स के मुताबिक टी गार्डन बी प्लैनेट पर संभावनाएं बनती हैं कि इसका सरफेस टेम्परेचर 0 से 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, पर अगर इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी जैसा निकलता है तो इसका टेम्परेचर 28 डिग्रीज तक हो सकता है। पर टी गार्डन सी प्लैनेट अपने तारे से दूर है, इसीलिए यहाँ के वातावरण के गर्म होने की संभावनाएं सिर्फ 3% हैं। ये काफ़ी ठंडा ग्रह होगा, जहाँ पर टेम्परेचर -47 डिग्रीज तक हो सकता है, अगर यहाँ का एटमॉस्फेयर प्लैनेट मार्स जैसा है। इन दोनों प्लैनेट्स को हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। 3 सूरजों वाला ग्रह। अगर आपने स्टार वॉर्स फिल्म देखी है तो इसमें एक ग्रह दिखाया गया था जिसका नाम टैटूइन था, और इसके आसमान में 2 सूरजों को देखा जा सकता था। इस ग्रह के 2 सूरज होते हैं, ये तो एक कल्पना थी, पर नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट की मदद से वैज्ञानिकों ने एक अजीबोगरीब नए एक्सोप्लैनेट को खोज निकाला है, जिसके आसमान में 3 सूरज दिखाई देते हैं। इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह को LTT 1445 AB नाम दिया गया है, जो हमसे 22.5 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। 3 सूरजों के होते हुए इनमें से एक सूरज का ये 5 दिन में चक्कर लगा लेता है। ये सब रेड ड्वार्फ स्टार्स हैं, जिनमें 2 स्टार्स काफ़ी दूर हैं और छोटे दिखाई देते हैं।
अनुमान लगाया गया है कि इस ग्रह पर चट्टानें काफ़ी ज़्यादा हैं, जो पृथ्वी पर पाई गई चट्टानों से एक तिहाई ज़्यादा बड़ी हैं, और ये ग्रह पृथ्वी से 8 गुना ज़्यादा बड़ा है। वैसे तो इस ग्रह को बहुत ज़्यादा गर्म माना जा रहा है, पर वैज्ञानिक इस ग्रह के एटमॉस्फेयर को और ये किन गैसों से घिरा हुआ है इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके लिए काफ़ी दिलचस्प विषय बन चुका है। फास्ट रेडियो बर्ड्स। फास्ट रेडियो बर्ड्स यानी FRBs, ये रेडियो एनर्जी की तरंगे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में बिखरी हुई देखी गई हैं, और ये पूरे ब्रह्मांड में सैर कर रही हैं, ना दिखने वाली गोलियों की तरह जो कभी महसूस होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। पर असल में ये क्या चीज़ हैं? किसी अनजान ऑब्जेक्ट से आने वाला रेडिएशन, या यहाँ तक कि किसी एलियन शिप से आने वाली तरंगे? वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, पर इसका पता लगाने के लिए टीम के सदस्य इकट्ठा हुए इस पहेली को सुलझाने में। 2019 जून के महीने में उन्होंने एक FRB की पल्स को ऑस्ट्रेलिया में रेडियो टेलीस्कोप की मदद से ट्रैक किया, जो झोंका फिर मिली सेकेंड के एक फ्रैक्शन तक ही टिका था। पहले भी इस तरह की पल्सेस को ट्रैक किया गया था जो किसी न्यूट्रॉन स्टार या सुपरनोवा से आई थी, पर इस बार मामला कुछ और ही था। ये पल्स किसी मिल्की वे गैलेक्सी जितनी बड़ी गैलेक्सी से आ रही थी, जो हमसे 360 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, और उसमें नए तारों का जन्म होना रुक गया है। इससे ये पता चल गया है कि फास्ट रेडियो बर्ड्स कई तरह के कॉस्मिक एनवायरनमेंट में उत्पन्न हो सकती हैं। इनमें से कईयों की उत्पत्ति के जिम्मेदार एलियंस भी हो सकते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। बेबी ब्लैक होल्स। मार्च 2019 में जैपनीज एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स की सबसे पुरानी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने अपना टेलीस्कोप हमसे 1200 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर लगा दिया। वहां उन्होंने 83 नए सुपर मासिव ब्लैक होल्स को ढूंढ निकाला, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। ये बहुत पुराने ब्लैक होल्स थे, लगभग यूनिवर्स के शुरुआती दिनों के समय के। ये सुपर मासिव ब्लैक होल्स क्वाजर्स के समूहों से या विशाल गैस और धूल से बनी चमकती हुई डिस्क से घिरे हुए थे। ये ब्लैक होल बिग बैंग के करीब 80 करोड़ साल बाद बने थे, जिससे ये अभी तक पाए गए सबसे पुराने स्पेस ऑब्जेक्ट्स में शामिल हो गए हैं। वाइट ड्वार्फ तारे का चक्कर लगाता हुआ एक ग्रह। चिले की यूनिवर्सिटी ऑफ वल्पराइजो ने पिछले साल दिसंबर 2019 में एक न्यूज़ पब्लिश की, बताते हुए कि उन्होंने एक गैस से बने ग्रह को ढूंढ निकाला है जो एक वाइट ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहा है, जबकि ये वाइट ड्वार्फ तारा मर चुका है, पर ये ग्रह अभी भी इसके चक्कर लगा रहा है। ये कई मामलों में जायज़ भी है, पर साथ में कई रहस्यों को भी सामने ला रहा है। जब एक साधारण तारा या सूरज अपना समय पूरा कर लेता है अपने ईंधन को खर्च करके, तो पहले तो वो रेड जायंट बनता है, फिर वाइट ड्वार्फ तारा बन जाता है। अगर उस तारे का चक्कर कोई ग्रह लगा रहा है, तो या तो उन्हें वो तारा रेड जायंट की स्टेज में लील लेगा, जैसे कि हमारी पृथ्वी को सूरज एक दिन लील जाएगा, या फिर वो तारा वाइट ड्वार्फ बनके अपनी ज़बरदस्त ग्रेविटी से उस ग्रह को नष्ट कर देगा। पर पहली बार पृथ्वी से 2040 लाइट ईयर्स दूर इस वाइट ड्वार्फ सिस्टम को देखा गया, जो अजीब तरह की गैस के कॉम्बिनेशन को एमिट कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने हाइड्रोजन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा को डिटेक्ट किया है, जो इस तारे की है ही नहीं। पर जो गैस प्लैनेट इसका चक्कर लगा रहा है, इसका गैसियस कंपोजिशन काफ़ी कुछ नेपच्यून प्लैनेट जैसा है, और इस तारे का चक्कर लगाते हुए वो भाप बनता जा रहा है और हाइड्रोजन को इस तारे के किनारे छोड़ता जा रहा है। ऐसी घटना को पहले कभी नहीं देखा गया था। पहले इसे एक बाइनरी स्टार सिस्टम समझा जा रहा था, जिनके बीच एक्सेलरेशन डिस्क आपस में मास के फ्लो होने से बन गई हो, दो तारों के बीच आपस में। पर बाद में पता चला कि ये सिर्फ एक वाइट ड्वार्फ तारा था, जिसके चारों तरफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से बनी डिस्क है, जिसकी साइज़ हमारे सूरज से 10 गुना ज़्यादा है, जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई है कि ये एक बहुत अनोखा तारा है। दूसरी बात ये भी पता चली है कि एक वाइट ड्वार्फ तारा भी किसी ग्रह को होस्ट कर सकता है, भले ही वो टेम्पररी हो। हीलियोपॉज। हमारे सोलर सिस्टम की सरहद पर एक ज़बरदस्त भिड़ंत को देखा गया, जो सोलर सिस्टम के सेंटर से करोड़ों मील दूर हो रही है। यहाँ पर भीषण सोलर विंड शक्तिशाली कॉस्मिक रेज लिए हीलियोपॉज नाम की एक दीवार से टकरा रही है। जब नासा का ट्विन वॉयेजर प्रोब इस क्षेत्र को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुँच गया,
पिछले साल, तब एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया कि हीलियोपॉज सिर्फ एक सिंबॉलिक बाउंड्री नहीं है, बल्कि ये वास्तव में प्लाज्मा की बनी हुई एक दीवार है जो आने वाले खतरनाक से खतरनाक रेडिएशन को डिफ्लेक्ट और डाइल्यूट कर रही है। 2019 4 नवंबर में किए गए अध्ययन में पता चला कि यह करीब 70% कॉस्मिक रेस को सोलर सिस्टम में आने से रोक रही है, जो एक शील्ड की तरह काम कर रही है। फुटबॉल या एक अंडे जैसा दिखने वाला ग्रह। 2019 अगस्त में वैज्ञानिकों ने एक अजीब से दिखने वाले ग्रह को देखा जिसका आकार रग्बी फुटबॉल जैसा दिखाई देता है। ये अपने वातावरण को बहुत तेज़ रफ्तार से छोड़ता जा रहा है और उसके साथ हैवी मेटल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम को भी इसके साथ खोता जा रहा है। ये एक विशाल ग्रह है जो सूजा हुआ या फूला हुआ सा दिखाई देता है। इसका नाम WASP-12-1b है और इसे हॉट जुपिटर भी बोला जा रहा है। ये अपने तारे का इतने करीब से चक्कर लगाता है जिससे ये आज तक का ढूंढा गया सबसे गर्म ग्रह बन चुका है। इसके अपर एटमॉस्फेयर पे 2538 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पाया जा सकता है। इसकी अपने तारे से निकटता ना ही इसे झुलसा रही है, बल्कि इसके तारे की ग्रेविटी इसे बुरी तरह से खींच भी रही है, जिस वजह से इसका ऐसा रूप हो गया है और लगता है कि किसी दिन ये बीच से फट जाएगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्ट इसके बारे में जान सके, पर वो इस एग्जोप्लैनेट पर और भी इन्वेस्टिगेशन करने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 2021 में लॉन्च किया जाएगा। फर्मी चिमनीज। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच सुपरमासिव ब्लैक होल पाया गया है। इस ऑब्जेक्ट की भयानक तेज़ ग्रेविटी, जो एक गोंद की तरह है, उसने मिल्की वे को आपस में चिपका रखा है। 2019 की शुरुआत में रिसर्चर्स ने पाया कि इस गोंद जैसी चीज़ से लपटें निकल रही हैं। 20 मार्च को एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्सरे इमेज पर नज़र डाली तो उन्होंने भीषण गर्म प्लाज्मा की दो चिमनियों को ढूंढ निकाला जो दोनों दिशा में कई सौ लाइट ईयर्स की दूरी में खिंची हुई हैं। ये धुएं का एक विशाल ढेर है जो सेंट्रल ब्लैक होल से जुड़ा हुआ लग रहा है, जो फर्मी बबल्स के तल पर है। फर्मी बबल्स हाई एनर्जी गैस के दो गुब्बारों जैसे दिखने वाले ब्लॉब हैं जो मिल्की वे के दोनों पोल से निकले हुए हैं। ये 50,000 लाइट ईयर्स की दूरी में फैले हुए हैं, लगभग जितनी दूरी पृथ्वी की मिल्की वे के सेंटर से है। ये बबल करीब 35 करोड़ साल पहले बने थे जब मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक विस्फोट हुआ था। माना जा रहा है कि वैसा ही विस्फोट अब दोबारा फिर हो सकता है। इन फर्मी चिमनीज पर अध्ययन करने से पता लगा है कि ये चिमनियाँ फर्मी बबल्स में ईंधन और भरती जा रही हैं, जो इसके आकार को धीमे धीमे एक निरंतर गति से बढ़ा रही हैं। एरोकॉट। एरोकॉट नाम के इस अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट को 26 जून 2014 में खोजा गया था नासा की होराइजन स्पेसक्राफ्ट टीम के द्वारा हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से। पहले इसका नाम अल्टीमा थ्यूले रखा गया था, पर स्पेसक्राफ्ट से इसे एक्सप्लोर करने के बाद इसका नाम बदल दिया गया। एराकॉट का मतलब है आसमान। ये आज तक मानव इतिहास की अंतरिक्ष में एक्सप्लोर की गई सबसे दूर पाई जाने वाली चीज़ है, जिसके पास से 2019 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट गुजरा, जिसे साल 2006 में लॉन्च किया गया था। 400 करोड़ मील की दूरी तय करते हुए न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट से रेडियो सिग्नल मिला। 2016 में न्यू होराइजन प्लूटो पर पहुंचा था और उसकी पहली तस्वीरें खींची जब वो उसके ऊपर से निकल रहा था। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट इसके और आगे निकलकर काइपर बेल्ट में पहुंच गया, जो दूसरे तरह तरह के धूमकेतु, उल्कापिंड और एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ा था। उन्हीं में से एक बहुत ही अलग दिखने वाले ऑब्जेक्ट के पास से गुजरा, जो एक दो पिंडों से मिलकर बनी चट्टान है। ये 31 किलोमीटर लंबी है और 19 किलोमीटर चौड़ी। ये देखने में एक लेटे हुए स्नोमैन जैसी लगती है, जिसका रंग काफ़ी लाल दिखाई देता है, जिसके रंग और आकार ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। ये विशाल चट्टान 1 जनवरी 2019 में इस प्रोब के ऊपर से गुजरी। प्रोब ने यहाँ से गुजरते हुए सैकड़ों तस्वीरें खींची, जब वो इस आसमान में तैर रही चट्टान के बगल से 32,200 माइल पर आवर की स्पीड से निकल रहा था। स्टार सिस्टम GJ-357 में पाए गए एक्सोप्लैनेट्स। नासा की ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट की मदद से एक्सोप्लैनेट्स के एक और खजाने को खोज लिया गया। ये 3 एक्सोप्लैनेट्स हैं और ये GJ-357 नाम के M टाइप ड्वार्फ स्टार के हैबिटेबल जोन में पाए गए हैं, जो इस तारे का चक्कर लगा रहे हैं।
इस तारे की लाइट बार बार हर 3.9 डेज में डिम हो जा रही थी, जिसका कारण इसका चक्कर लगा रहे प्लैनेट निकले। हाइड्रा कॉन्स्टलेशन में मौजूद ये स्टार सिस्टम हमसे 31 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जो सन के मास का एक तिहाई है और 40% ज़्यादा ठंडा है। ये हमारे सोलर सिस्टम से आगे पाए जाने वाली एक दूसरी दुनिया है। इस तारे का 3 प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, GJ357b और C, जो इस तारे के काफ़ी पास हैं, जबकि तीसरा प्लैनेट GJ357d दूर है। GJ357b प्लैनेट अर्थ से 22% ज़्यादा बड़ा है और ये अपने तारे से 11 गुना ज़्यादा पास है जितना मरकरी सन से है। इसीलिए 254 डिग्री सेल्सियस लिए इस ग्रह को हॉट अर्थ कहा गया है। चट्टानों से भरा ये ग्रह हालांकि ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से लाइफ होस्ट नहीं कर सकता। बीच में पाया जाने वाला ग्रह GJ357c मास में अर्थ से 3.4 गुना ज़्यादा है और तारे का चक्कर ये 9.1 डेज में लगा लेता है, जिसकी दूरी स्टार से GJ357b की दुगनी है और सरफेस टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें यहाँ पर भी लाइफ होस्ट नहीं की जा सकती। पर सबसे दूर मौजूद तीसरे प्लैनेट GJ357d को रिसर्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग मान रहे हैं। ये 55.7 डेज में तारे का चक्कर लगा लेता है और इसके अपने तारे से दूरी अर्थ की सन की तुलना में 20% ही है। इसका मास अर्थ से 6.1 गुना ज़्यादा है। हालांकि इसकी साइज़ के बारे में पक्की जानकारी नहीं है, पर यह पृथ्वी से दुगना बड़ा हो सकता है। GJ357d अपने तारे की हैबिटेबल जोन के आउटर लेयर पे मौजूद है, जहाँ पे वो उतनी ही स्टेलर एनर्जी पाता है जितना मार्स सन से। अगर इसका एटमॉस्फेयर डेंस या घना है, जिसके बारे में आगे अध्ययन करने पर पता चलेगा, तो ये भी जाना जा सकेगा कि ये कितनी गर्मी रोक कर रख सकता है, जिससे लिक्विड वाटर इसके सरफेस पे पाया जा सके। बिना एटमॉस्फेयर के इसका सरफेस टेम्परेचर -53 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये एक बर्फीला ग्रह होगा। इस ग्रह पर कैसी दुनिया होगी इसके बारे में पक्का नहीं कहा जा सकता, पर यह ग्रह पृथ्वी से काफ़ी कुछ मिलता जुलता होगा और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इसके सरफेस पे लिक्विड वाटर मौजूद है।